नमस्कार। आज बात भारत की राजनीति की कर लेते हैं। और भारत की राजनीति की जब बात होगी तो इन दिनों राहुल गांधी की बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है और सूरत कोर्ट में उनको कोई राहत नहीं मिली है। अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। इसको दो तीन बिंदुओं में समझने की ज़रूरत है कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होगी, और अगर संसद की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो फिर क्या होगा, और ऐसे में विपक्ष की राजनीति कैसी होगी। देखिए, राहुल गांधी लगातार जब से वो भारत यात्रा करके लौटे हैं तब से लगातार हमलावर हैं नरेंद्र मोदी की सरकार पर, यानी भारत की सरकार पर, और अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से अपनी पार्टी को मजबूती देने के सारे प्रयास कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, और विपक्ष को एक करने की कोशिशों में उन्होंने कई सारे विपक्षी दलों के साथ मुलाकात भी की है। लेकिन यहाँ एक मूल समस्या जो उनके साथ आ खड़ी हुई है कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। मामला अदालत में है, अब ऊपरी अदालत से उनको भरोसा है। देखिए, जब तक उनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं होगा, यानी जो सजा उनको 2 साल की मिली है, जब तक उस पर स्टे नहीं होगा तब तक उनको राहत नहीं मिलेगी। और उनको राहत नहीं मिलना आसान नहीं है। मतलब अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई बात नहीं जी, राहत नहीं मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2024 में तो चुनाव है ही। ऐसा नहीं होगा। राहत नहीं मिलेगी तो एक ना एक दिन उनको जेल जाना होगा, 2 साल की सजा काटनी होगी, और 2 साल की सजा के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने की परिस्थिति बनेगी, यानी 2024 और 2029 दोनों लोकसभा चुनाव उनके हाथ से जाएगा। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी उस दिशा में सोच रहे हैं? हमको तो नहीं लगता। तो आखिर फिर क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, चाहे वो हाईकोर्ट में जाकर के हो या सुप्रीम अदालत में जाकर के हो। उनको ये उम्मीद है और ऐसा लगता है कानून की सारी धाराओं को देखने के बाद और सारे मामले को देखने के बाद कि सुप्रीम अदालत तक जाते जाते ये तो हो ही जाएगा कि कन्विक्शन पर स्टे भी होगा और साथ साथ उनकी सज़ा अगर होगी भी तो कम होगी। तो जैसे ही सज़ा कम होगी उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। ये तो एक मामला है। जो दलील इन्होंने सूरत की अदालत में दिया और कहा कि भाई इस फैसले से हमारी संसद की सदस्यता ख़त्म हो गई, अदालत ने ये कहते हुए 2 मिनट में उस मामले को खारिज कर दिया कि बोला कि उससे कोई तूफान नहीं आ गया। उसके कहने का टोन यही था कि भाई आपकी सदस्यता ख़त्म हो गई तो ऐसा कुछ नहीं हो गया जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, आप काम कर सकते हैं, आप आगे भी काम कर सकते हैं। मतलब उसका ये कहना था, जब राहुल गांधी के वकीलों ने ये कहा कि संसद की सदस्यता नहीं रहने से जो एक ज़िम्मेदार सांसद के का जो काम होता है, उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है, उसके प्रति समाज की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उसमें उसने अदालत ने साफ साफ कह दिया कि नहीं भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कन्विक्ट किया गया है, इसलिए इस मामले को थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा। अब उस पूरे मामले को जो चुनौती दी गई है उस पर सुनवाई 3 मई को है। इस बीच में कन्विक्शन पे स्टे के लिए ऊपरी अदालतों का दरवाज़ा खुला हुआ है जो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। खैर, ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब मामला है कि क्या 2024 में जो परिस्थितियां बन रही है उसमें राहुल गांधी ये हालात पैदा कर पाने में सक्षम हो रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की तरफ से वो एक चेहरा होंगे। हो सकता है कि चेहरे पे एक सहमति बनती हुई दिखे, लेकिन विपक्ष मजबूत कैसे होगा? जो सबसे बड़ा एजेंडा, जो सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के हाथ में आज की तारीख में है वो ये है, अडानी और नरेंद्र मोदी का संबंध, जिसको लेकर के वो लगातार चर्चा करते हैं, लगातार बात करते हैं और कहते हैं कि भाई ये अडानी को बड़ा बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, आपका पैसा, सब पैसा नरेंद्र मोदी उसको पहुंचा रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, कंपनियां उनको सस्ते में दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यह है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के सहारे अडानी को बड़ा कर रहे हैं।
और अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर के पिछले दिनों सदन नहीं चली, ये सब हम लोगों ने देखा। जो उनके एक मुख्य अलाई हैं शरद पवार, उन्होंने इस पूरे मामले की हवा निकाल दी, कहा कि नहीं ये तो एक किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ इस तरीके का ठीक नहीं है, जेपीसी की मांग से क्या फर्क पड़ता है। अब आप देखिए जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उस मुद्दे के पे अगर एक साथ सब लोग खड़े होते, उसकी जगह एक मजबूत विपक्षी धड़ा इनका इनके हाथ से निकल गया। तो शरद पवार क्या चाह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार में रहते हुए जिस तरीके से बिहार की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि भाई उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, उनका उनको चेहरा बनाया जाए, तो क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी के नेतृत्व में या उनके चेहरे पर उनको साथ देते हुए विपक्ष के साथ आएंगे? देखिए मैं बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, जिनका कोई वजूद नहीं है या जो आएंगे भी तो थोड़े बहुत असर के साथ रह जाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य लोग हैं जिसमें चेहरे के तौर पर अगर हिंदुस्तान में हम देखें तो अगर उत्तर भारत से देखें तो एक बड़ा चेहरा विपक्ष के तौर पर नीतीश कुमार का आता है। तो क्या नीतीश कुमार के चेहरे के पीछे राहुल गांधी अपनी मेहनत लगाएंगे? क्या ममता बनर्जी के चेहरे के पीछे राहुल गांधी अपनी मेहनत लगाएंगे? क्या नवीन पटनायक के चेहरे के पीछे राहुल गांधी अपनी मेहनत लगाएंगे? और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो सदन की सदस्यता नहीं रहेगी, तो फिर आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या चेहरा कौन होगा विपक्ष का? ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन इस बीच में जो कुछ मुख्य घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिस पर कांग्रेस या विपक्षी दलों को थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। देखिए आप सरकार पर यह आरोप तो लगा सकते हैं, केंद्र सरकार पर यह आरोप लग सकता है कि आप ईडी और सीबीआई के ज़रिए आप पूरा एक तरीके से विपक्ष के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को कटघरे में डालते हुए भी कोई भी ईडी सीबीआई की रेड नवीन पटनायक के घर पे तो नहीं होती है। 20 साल से वो राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री हैं, लगातार वहाँ से एक तरीके से देखिए तो साथ रहते हुए बीजेपी के और बीजेपी को धक्का देकर बाहर कर दिया नवीन पटनायक ने। पहले एनडीए का हिस्सा थे, राज्य में साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, बाहर कर दिया, अकेले चुनाव लड़े, जीत गए, सरकार बना ली, तब से सरकार में हैं। अब तो विपक्ष जो उनकी विपक्षी पार्टी एक तरीके से बीजेपी थी, अब तो केंद्र में पिछले 9 साल से बैठी है, लेकिन उनके खिलाफ तो कुछ भी सबूत नहीं जुटा पाई। बिहार में लालू यादव के खिलाफ ईडी और सीबीआई के रेड्स तो हो रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हो रहे। तो और नीतीश कुमार क्या कभी भी सरे बाजार या किसी मंच पे खड़े होकर ये कहने की हैसियत में है कि लालू यादव ने चारा घोटाला नहीं किया था या उसमें वो शरीक नहीं थे? अब पिछली बार जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए थे तो सिर्फ इसी आधार पर अलग हुए थे, यही आरोप लगाकर अलग हुए थे कि एक पूरे रेलवे घोटाले में तेजस्वी यादव का नाम आया और तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो अलग हो गए। यानी कि करप्शन के मुद्दे पर जब आप ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों में पे ज़्यादा जोर सरकार आजमाइश करती है तो ये बात पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती, क्योंकि विपक्षी पार्टियां बहुत सारी ऐसी हैं और विपक्षी नेता बहुत सारे ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार या तो अपने फायदे के लिए उनको हाथ नहीं डाल रही या फिर उनके खिलाफ कोई हिसाब नहीं मिल रहा। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको किसी भी तरीके से उनकी संसद की सदस्यता को बहाल करना। अगर वो बहाल नहीं हुई, अगर वो समस्या बढ़ी और राहुल गांधी अगर इस मुगालते में होंगे, ये सोच रहे होंगे कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे और पीछे से नेपथ्य से पूरी सत्ता चलाएंगे और संसद में बैठे या नहीं बैठे उनकी राजनीति उनकी चलेगी, तो ये अब वो दौर नहीं रहा। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर सत्ता चलाई, अब वो दौर नहीं रहेगा।
क्योंकि ना तो राहुल गांधी सोनिया गांधी की तरह ताकतवर हैं और ना मनमोहन सिंह की तरह का कोई व्यक्ति कांग्रेस में फिलहाल उनको मिलेगा जो वहां पर बैठेगा। ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नहीं दिख रही, इसलिए राहुल गांधी को अपनी टीम पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो ये पूरी परिस्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी की मौजूदा टीम भी समस्या की जड़ में है। और जब आप अपराध की बात करते हैं तो आपके सहयोगी, एक तरीके से आपके सहयोगी हैं तेजस्वी यादव, अभी आपने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी। अब तेजस्वी यादव बिहार में अतीक अहमद को बहुत सम्मान के साथ अतीक जी कहकर और अतीक की हत्या को राजनीति से जोड़कर अतीक की हत्या के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर बातें कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा करेंगी। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिस विपक्ष को एकजुट करने की बात है वो विपक्षी सारे दल राज्यों में इनके खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। तो वैसी परिस्थिति में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी, कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। फिर मिलेंगे, बात करेंगे। नमस्कार।